टैक्सील डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ ऑन 14th of November 2017। गवर्नमेंट ने कहा कि यदि कोई सप्लायर किसी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन या फिर यूएन ऑर्गेनाइजेशन को कोई इनवाइस इशू कर रहा है तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इनवाइस के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है। कोई भी सप्लायर किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन या यूएन ऑर्गेनाइजेशन को यह यूआईएन नंबर मेंशन करने से मना नहीं कर सकता है। यूआईएन नंबर यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक 15 डिजिट नंबर है जिसमें के जो फर्स्ट टू डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड डिनोट करते हैं। आप यूआईएन की फैसिलिटी को जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर भी सर्च कर सकते हैं अंडर सर्च टैक्सपेयर ऑप्शन। यदि किसी व्यक्ति ने जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उसने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से परचेज की है तो उसको जीएसटी किस प्रकार पे करना है, सरकार ने नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसके अंदर एक कहा गया है कि यदि कोई भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करता है तो उसको 31 मार्च 2018 तक जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है वह 13 अक्टूबर 2017 से इफेक्टिव होगा। इसके लिए आप सी जी एस टी एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर 38W 2017 रेफर कर सकते हैं। सेंट्रल टैक्स रेट 13 अक्टूबर 2017 जिसका लिंक के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आई जी एस टी एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर 32W 2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट एंड यू टी जी एस टी एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर 38W 2017 यूनियन टेरेटरी टैक्स रेट डेटेड 13th अक्टूबर 2017। आइए समझ लेते हैं कि यदि आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से परचेज की है तो उसकी जीएसटी के लिए क्या कॉम्प्लायंस करनी है। आपको यह देखना है कि परचेज बिफोर 13th अक्टूबर 2017 हुई है यानी कि सप्लाई जो आपने ली है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से वह बिफोर 13th अक्टूबर 2017 ली है या सप्लाई ऑन और आफ्टर 13th अक्टूबर 2017 हुई है। यदि ऑन और आफ्टर 13th अक्टूबर 2017 हुई है तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यह बिफोर 13th अक्टूबर 2017 हुई है तो आपको यह देखना है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, क्योंकि दोनों के केस में जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। यदि आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से परचेज की है, जो परचेज की है यानी कि सप्लाई रिसीव की है वो गुड्स रिसीव की हैं या फिर 30 डे इनवाइस को हो गए हैं या फिर आपने पेमेंट कर दी है या फिर बुक कर ली है बिफोर 13th अक्टूबर 2017 तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो जीएसटी है वो पे करना होगा। इसके लिए आप सेक्शन 12(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को रेफर कर सकते हैं जिसमें कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है रिवर्स चार्ज बेसिस पर जिसे जीएसटी पे करना है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा यानी कि जिस दिन उसने गुड्स को रिसीव कर लिया है या फिर पेमेंट कर दी है या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पेमेंट को जो है बुक कर लिया है या फिर जो डेबिट हो गया है उसकी बैंक से जो भी सबसे पहले हो या फिर जो 30 डे हो गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और यदि ए बी सी तीनों कंडीशन आपको नहीं पता है तो वह डेट मानी जाएगी जिस दिन के रिसिपियंट ने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री की है। अब देख लेते हैं यदि आपने सर्विसेज की सप्लाई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ली है तो उसके केस में जीएसटी की लाइबिलिटी क्या होगी। यदि आपने पेमेंट नहीं की है या फिर 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस अभी नहीं हुए हैं तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से सप्लाई ली है, मान लीजिए आपने जो सप्लाई ली है वो सितंबर 2017 के अंदर ली है जिसके लिए जो इनवॉइस इशू की गई है वो 10 सितंबर 2017 के को इशू की गई है और जो पेमेंट है अनरजिस्टर्ड सप्लायर को वो अभी नहीं हुई है एज ऑन 13th अक्टूबर 2017, इस केस में आपको रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी जीएसटी के अंदर नहीं बनेगी और आपको जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आप टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट को रेफर कर सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13(3) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स लाइबल को पे करने के लिए लाइबल है तो उसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है वह अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होगा यानी कि डेट ऑफ पेमेंट या जिस दिन के उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की डेट एंटर कर ली है या फिर उसके बैंक अकाउंट से वो पेमेंट डेबिट हो गई है इनमें से जो भी डेट पहले हो या फिर 60 डेज हो गए हों फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस
यदि ए और बी अवेलेबल नहीं है तो वह डेट मानी जाएगी जिस दिन के उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है, यानी कि रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की है। लेकिन एसोसिएटेड इंटरप्राइज के केस में जहाँ पे के सप्लायर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपियंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जीएसटी पोर्टल पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को किस प्रकार रजिस्टर करना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है नॉर्मली आपको फेस ऑफ द जीएसटी पोर्टल पर दिखाई नहीं देगी। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर। वहाँ पे पार्ट ए जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का, वहाँ पे टैक्स पेयर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एज अ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो है पार्ट बी में जाना है, वहाँ पे बिजनेस डिटेल सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसे आपको येस करना है। जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यह जो क्वेश्चन है आर यू अप्लाइंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यहाँ पे येस होना चाहिए। इसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर FAQ भी GST पोर्टल ने रिलीज़ किए हैं, जिनका लिंक के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। ICA की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी ने GST के ऊपर न्यूज़लेटर अक्टूबर 2017 के लिए इशू कर दिया है। इसके अंदर GST के अपडेट और नोटिफिकेशन दिए गए हैं, आर्टिकल दिया गया है, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर GST के अंदर रिफंड किस प्रकार क्लेम करें और ऑटोमोबाइल डीलर इंडस्ट्री के ऊपर GST का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केस में FAQ भी दिए गए हैं। इस न्यूज़लेटर को आप इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रेफ़र कर सकते हैं। GTA के केस में वैल्यू बेस्ड एग्जम्पशन दी गई है, उसे किस प्रकार देखना है। मान लीजिए कोई GTA जो है ट्रांसपोर्ट करता है गुड्स को कैरिज के अंदर, वहाँ पे जो GTA को एग्जम्पशन लिमिट दी गई है वो 750 रुपीज़ दी गई है, यानी कि इस लिमिट तक आपको GST पे करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ABC जो करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं GTA के थ्रू, और वह GTA का नाम मिस्टर एक्स है और उस सेम कैरिज के अंदर गुड्स जा रही हैं, GTA हर एक जो कंसाइनर है ABC उनसे 600 रुपीज़ चार्ज करता है, तो टोटल कंसाइनमेंट है वो 1800 रुपीज़ हो गई है। तो इस केस में जो है टोटल कंसाइनी का 1800 रुपीज़ हो जाता है, यह चेक करना है। या फिर जो कंसाइनर फॉर अ कंसाइनी, यानी कि जो हर कंसाइनर है 600 रुपीज़ पे कर रहा है कंसाइनी को मिस्टर एक्स को, यह चेक करना है। इसके लिए आपको एंट्री नंबर 22C ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 9W2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफ़र करना होगा, जिसका लिंक के इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि GTA गुड्स को कैरिज के अंदर लेके जा रही है तो जो कंसीडरेशन है सभी गुड्स का जो कि वो सिंगल कंसाइनिंग के लिए लेके जा रहा है वह 750 रुपये से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तभी यह जो सर्विस है वह एग्जम्प्ट मानी जाएगी। तो इस केस में जो ABC तीनों ही अपने गुड्स मिस्टर एक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वह GST से एग्जम्प्ट मानी जाएंगी। क्लबिंग प्रोविज़न तभी अप्लाई होगी, मान लीजिए मिस्टर ए ही 1800 रुपीज़ की कंसाइनमेंट जो है GTA के पास बुक करता है। कार या फिर मोटर व्हीकल की रिपेयर, इंश्योरेंस और दूसरे एक्सपेंसेस के ऊपर क्या आप GST के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कार के लिए कोई टायर परचेज किया है या फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस किया है और वह कार आपने अपने जो बिजनेस है उसके अंदर फिक्स्ड एसेट शो की है, तो क्या उसके ऊपर आप GST के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। या फिर आपने फैक्ट्री के अंदर कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए पेल ऑर्डर है उसके लिए कोई टायर परचेज कर रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर आप GST के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए आपको सेक्शन 17(5) ऑफ द GST एक्ट को रेफ़र करना होगा, जो कि यह कहता है कि मोटर व्हीकल या फिर किसी भी और कन्वीनियंस के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं, यानी कि यदि आप सप्लाई ऑफ व्हीकल और कन्वीनियंस में डील करते हैं, जैसे कि आप कार डीलर हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग जो है ड्राइविंग फ्लाइंग नेविगेटिंग की देते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं, तो उस केस में आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कार या मोटर व्हीकल या फिर किसी भी और कन्वीनियंस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कि आप जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया वो इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल यूज़ किया गया है, और जो वर्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ ये बहुत ब्रॉड है, और इसके अंदर रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टायर परचेज, ये सारे जो एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है तो क्या उसे उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा? मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर की प्रेजेंस जो है वो कई स्टेट्स के अंदर है, और वह एक स्टेट के अंदर अपने वेयर हाउस को शट डाउन कर देता है, और जो बिजनेस एसेट है उसके वह दूसरे स्टेट में अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र करता है, तो क्या इसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना होगा? क्या ये माना जा सकता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बिजनेस में नहीं है, तो इसलिए यह उसका फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है? इसके लिए आपको शेड्यूल टू ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के पॉइंट नंबर 4 को रेफर करना होगा, जो कि यह कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है या फिर डिस्पोज करता है, तो भले ही उसने इसके लिए कंसिड्रेशन लिया है या नहीं लिया है, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना होगा। इसलिए इस केस में आप जीएसटी पे करें और दूसरी स्टेट में जाके इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और वो सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, तो क्या उसके ऊपर भी उसे जीएसटी पे करना होगा? मान लीजिए मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक यूनिवर्सिटी को अपनी सर्विसेज देता हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी, और मैं जीएसटी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड हूँ फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो क्या मैं जो यूनिवर्सिटी को सर्विसेज दे रहा हूँ उसके ऊपर मुझे जीएसटी चार्ज करना होगा? इसके लिए आपको सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट को रेफर करना होगा, जो कि यह कहता है कि हर व्यक्ति को जो कि टैक्सेबल पर्सन है जीएसटी के अंदर, उसे जीएसटी कलेक्ट करना होगा और पे करना होगा, और ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और यदि हम टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में, तो वह यह कहता है कि टैक्सेबल पर्सन वह व्यक्ति है जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो इस केस में आपको जो है जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करना होगा। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या हैं, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज taxseal.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पर क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR1, GSTR2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन वे की गई है। इसके अलावा जो दूसरे जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म हैं जैसे कि GSTR4 और TRAN1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफ़र करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxseal.com पर जाना है, अपने ब्राउज़र में taxseal.com टाइप करना है, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी जीएसटी अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है जीएसटी रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफ़र कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप जैसे GSTR3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी, जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी,
तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज जो है बुक मार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, सीजीएसटी नोटिफिकेशन, सीजीएसटी टैक्स रेट नोटिफिकेशन, आईजीएसटी नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमिजिएटली रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नवंबर 2017 के अंदर नई बुक्स जो हैं वो मार्केट में आ गई हैं, यानी कि जीएसटी रेडी रेकनर 5th एडिशन नवंबर 2017 बाय भारत पब्लिकेशन एंड जीएसटी लॉज विद रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इन दोनों बुक्स का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने इससे पुरानी जो जीएसटी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं वे मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुने ताकि आप जो जीएसटी की इंटरेस्ट पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी GST से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxi.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।